दोस्तों आज कुछ ऐसी बात करने वाला हूं जो आज तक आपने कभी YouTube पर नहीं देखा होगा। मैं आज ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूं, 5 ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां बताने वाला हूं जो हर एक यूट्यूबर ने करके रखी है और वही गलती मैंने खुद की थी। लेकिन अब मैं सीख चुका हूं कि जो 5 गलतियां हैं वो हम सब करते हैं, लेकिन वो गलतियां नहीं होती, वो सही काम होता है। लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर अपनी वीडियो में बताते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, जिससे आपके चैनल को कोई खतरा हो जाएगा या आपकी चैनल बंद हो जाएगी, मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा, इनवैलिड एक्टिविटी हो जाएगी। पर मैं आपको बताता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मेरा 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने भी पहले उनकी वीडियो देखकर मैंने भी वीडियो बनाई जो कि सब कुछ झूठ था। और माना जाता है कि जब कोई यूट्यूबर पॉपुलर बनने लगता है, जिसके वीडियो वायरल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक यूट्यूबर उनकी वीडियो को कॉपी करता है, उनकी वीडियो को देखकर बनाता है। अगर वो कह रहा है कि ऐसा होता है तो हम छोटे मोटे यूट्यूबर को ये बात माननी पड़ती है। लेकिन आज मैं उन सब बातों का खुलासा करने वाला हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और आपको ये मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने ये माना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, 100 व्यूज़ आने पर आपको अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करना चाहिए अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और बहुत बड़ा मिथ है। लोगों ने यूट्यूब पर इसके ऊपर इतनी सारी वीडियो बना के रखी है और बता के रखा है कि आपको 100 व्यूज़ पर 200 व्यूज़ पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करना चाहिए वरना आपका चैनल हो जाएगा बंद। मैंने भी वीडियो बनाई, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं और मैं इसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने भी उन्हीं की वीडियो देखकर बनाया था जो अपनी वीडियो में ऑलरेडी ये बताते थे। मैं एक यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, सब यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। पर ये एकदम गलत बात है। अगर आपकी वीडियो पर 20 व्यूज़ भी आते हैं ना, 10 भी आते हैं, तो भी आपको अपना मोनेटाइजेशन ऑन रखना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि YouTube को आपके व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। आपके YouTube चैनल सस्पेंड करने को लेकर अगर आपकी वीडियो पर 10 व्यूज़ आ रही है, 50 भी आ रही है, तो भी आपको अपना एड ऑन रखना चाहिए। अगर एड ऑन नहीं रखोगे तो आपके वीडियो पर अर्निंग नहीं बनेगी और YouTube की बहुत कम अर्निंग है। और कम अर्निंग के कारण अगर आप मोनेटाइजेशन ऑफ रखोगे तो आप क्या पैसा कमा लोगे? इसीलिए आपको अपना मोनेटाइजेशन ऑन ही रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद नॉन स्किपेबल एड बंद रखनी चाहिए, जिससे CTR नहीं बढ़ेगा और CTR नहीं बढ़ेगा तो आपका चैनल सस्पेंड नहीं होगा। और जबकि मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, छाती ठोक के कह सकता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि नॉन स्किपेबल से आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। अगर आपका वीडियो कोई वायरल जाता है, उस पर आपका ज़्यादा व्यूज़ होने के कारण नॉन स्किपेबल से आपकी ज़्यादा अर्निंग बनती है, लेकिन आपको उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर भी यूट्यूब पर कई सारे यूट्यूबर ने वीडियो में बता के रखा है कि नॉन स्किपेबल ऐड नहीं चालू करनी चाहिए और मैंने खुद बताया था और वो मेरी गलती थी। इसीलिए आज मैं सच बता रहा हूँ, जो मैंने सीखा है उसी के ऊपर कह रहा हूँ कि आपको अपनी वीडियो की सारी ऐड ऑन कर लेनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट है, गूगल एडवर्ड्स से वीडियो प्रमोट करने से चैनल बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों अभी पीछे आपको पता होगा गूगल एडवर्ड का बहुत बड़ा बग चला था। मेंबरशिप से जिसने भी यूट्यूब वीडियो को प्रमोट किया था और बड़े बड़े यूट्यूबर ने ये भी बताया था कि जिसने भी इस फीचर का फ़ायदा उठाया है उन सब का चैनल बर्बाद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, चैनल की रीच रुक जाएगी। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, गूगल एडवर्ड और यूट्यूब और गूगल तीनों एक ही प्लेटफॉर्म के लड़के बच्चे माँ बाप हैं। कोई अपने प्लेटफॉर्म को खतरे में डाल सकता है क्या? दिमाग लगाकर सोचो, अगर दिमाग है तो सोचो। अपने प्लेटफॉर्म को कोई बर्बाद कर सकता है। और YouTube में ग्लिच आते रहते हैं, वो गूगल एडवर्ड का भी कोई ग्लिच था, जिसको पता नहीं था, उसको पता नहीं था। लेकिन जिसने वीडियो बनाकर ये कह दिया कि जिसने भी गूगल एडवर्ड से मेंबरशिप से व्यूज़ लिए, सब्सक्राइबर गेन किए हैं, उनका चैनल बर्बाद हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। गूगल एडवर्ड से कुछ भी नहीं होता है। गूगल एडवर्ड से बाकी आपका चैनल और भागने लगता है। कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, उन्होंने एडवर्ड का यूज़ करके अपने चैनल को कितना ग्रो कर लिया है आपको पता नहीं होगा। इंस्टाग्राम पर आप ऐड देखते हो, गूगल पर ऐड देखते हो, वो सब गूगल एडवर्ड की ही ऐड है जो अपने बिजनेस को, अपने वीडियो को, अपने प्रोडक्ट को गूगल एडवर्ड से प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो उन कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है, इसीलिए गूगल एडवर्ड का यूज़ करते हैं। और आपको किसी ने ये बोल दिया कि गूगल एडवर्ड का यूज़ करके आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा, वो पागल है, सच में पागल है। और आप पागल लोग की बात भी मान लेते हो। देखो, पॉपुलर होने का ये नहीं होता कि वो झूठ बोले और आप झूठ का विश्वास कर लो, कहीं कहीं वो भी गलत होते हैं, तो उस गलत पर हमें खड़ा रहना ज़रूरी है कि गूगल एडवर्ड से कुछ भी नहीं होता है। चौथा पॉइंट है, CTR बढ़ने से चैनल हो जाएगा सस्पेंड। सबसे बड़ा डाउट कि CTR बढ़ने से YouTube चैनल सस्पेंड होता है। बाकी YouTube चैनल पर CTR जितना ज़्यादा इंक्रीज होता है ना, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग बढ़ती है। लेकिन लोग कैसे समझेंगे और कैसे समझाया जाएगा कि CTR बढ़ने से YouTube चैनल सस्पेंड नहीं होती है और ज़्यादा रीच में जाती है। जितना अच्छा CTR होता है उतना ही चैनल का रीच ज़्यादा बढ़ता है। अगर आपके वीडियो पर ऐड ज़्यादा चल रहे हैं तो आपका CTR ज़्यादा बढ़ेगा। अगर 10% अगर CTR है, यानी कि आपकी ऐड पर 10 क्लिक हुई हैं और 10% CTR के हिसाब से आपकी अर्निंग उतनी ही इंक्रीज़ हो जाती है। और जितना आपका कम CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट, उसका मतलब यह है कि आपका थंबनेल सही नहीं बना, लोगों को आपकी वीडियो को देखने में मज़ा नहीं आ रहा है, आपका थंबनेल सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपकी वीडियो को प्ले नहीं किया। इसीलिए आपको अपना थंबनेल सही बनाना है, क्योंकि आपका CTR अच्छा बने। समझ गए? ये बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन लोग इसको गलत समझते हैं कि CTR बढ़ने से हमारा YouTube चैनल बंद हो जाएगा, गूगल एडसेंस सस्पेंड हो जाएगा। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितना ज़्यादा CTR होता है उतना अच्छा आपके चैनल के लिए होता है। गूगल एडसेंस का CTR अलग है और यूट्यूब का अलग CTR है। गूगल एनालिटिक्स में आपको आपके थंबनेल का CTR दिखाया जाता है और गूगल एडसेंस में आपकी अर्निंग का CTR दिखाया जाता है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जितना ज़्यादा CTR होता है उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। लास्ट पॉइंट है, वीडियो को शेयर करने से मोनेटाइजेशन नहीं होगा। सबसे बड़ा पागल है जो भी ये बोलता है कि अपनी वीडियो को जो शेयर करेगा उसका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। अगर शेयर ही नहीं करना है, YouTube ने ऐसा अपनी गाइडलाइंस में लिखा है, तो YouTube ने शेयर का बटन ही क्यों दिया है? YouTube वाले पागल हैं क्या? YouTube ने शेयर का बटन क्यों दिया है? अगर वो अपनी गाइडलाइंस में ऐसा लिखता है कि YouTube वीडियो को शेयर करने से अगर आपका YouTube चैनल सस्पेंड होता है, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, आपको अपनी वीडियो को शेयर नहीं करना चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स बढ़ेगा, तो YouTube अपना फीचर्स में शेयर का बटन ही नहीं लगाता। लेकिन लोगों ने बोल दिया और आपने मान लिया, और ये सरासर ये गलत बात है। और इस पर कई सारे वीडियो बने हैं जो लोग विश्वास कर लेते हैं कि CTR बढ़ने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, ब्ला ब्ला। भाइयों मेरे, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आपका CTR बढ़ने से कुछ नहीं होता और वीडियो शेयर करने से कुछ नहीं होता, 10 व्यूज़ पर मोनेटाइजेशन ऑन करने से कुछ नहीं होता, नॉन स्किपेबल एड ऑन करने से कुछ नहीं होता, गूगल एडवर्ड से वीडियो प्रमोट करने से कुछ भी नहीं होता। ये पाँचों के पाँचों को अगर आप सही से फॉलो करोगे तो आप एक सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो और आप एक सही यूट्यूबर हो, जिसका आपको ज्ञान हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से बस मैंने आपको इतना ही समझाने की कोशिश की है कि आपको इन बातों पे विश्वास करना होगा। अगर नहीं करोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरी भी प्रॉब्लम थी, मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि जो भी ये सिखाता है वो गलत सिखाता है। और इन पाँचों के पाँचों टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूब के करियर में। थैंक यू।